हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी बुलियन लॉजिक की, बुलियन एल्जेब्रा की, बाइनरी नंबर सिस्टम की, और साथ ही साथ हमने शुरुआत की थी लॉजिक गेट्स की। दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसके ऊपर बेस की गई, जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसके ऊपर बेस की गई बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन लॉजिक जो दिया था हमें जॉर्ज बूल नाम के एक साइंटिस्ट ने। जॉर्ज बूल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कि बेसिक अर्थमेटिक यानी 1+1, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको मिक्स किया गया, साथ में जोड़ दिया गया विद लॉजिक। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, लॉजिक का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई एक्शन लेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा। द रिलेशन बिटवीन आर एक्शन, हमारे उस एक्शन के बीच में और उसका जो नतीजा आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके बीच में जो रिश्ता है वही डिफाइन करता है लॉजिक। बाइनरी नंबर सिस्टम की दोस्तों गॉटफ्राइड विलहेल्म लाइबनिज़, ये वो साइंटिस्ट थे, वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सन 1705 में एक पुरानी चीनी किताब आई चिंग से बाइनरी नंबर सिस्टम को डिराइव किया था। आई चिंग एक चाइनीज किताब है जिसका, बहुत पुरानी चाइनीज किताब जिसका अर्थ बनता है बुक ऑफ चेंजेस। इसके कुछ और भी ट्रांसलेशन दिए गए, लेकिन इस किताब में लॉजिक की बात की गई थी कि लॉजिक हमारा हर कोई काम का नतीजा हमारे उस काम पर कैसे निर्भर करता है, उस चीज के बारे में बात की गई थी। उसी चीज का गॉटफ्रीड विलहेल्म लाइबनिज़ ने 1705 में स्टडी करके एक हमें एक ऐसा सिस्टम दिया कि बाइनरी लॉजिक, यानी कोई चीज या तो होती है या नहीं होती, या तो कोई चीज अप है या कोई चीज डाउन है, दोनों के बीच की वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। इस लॉजिक पर काम करते हुए लाइबनिज़ ने हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की एक इंट्रोडक्शन दी, जिस पर आगे चलकर काम किया जॉर्ज बूल ने बुलियन लॉजिक बनाने के लिए, यानी एक ऐसा लॉजिक बनाने के लिए जिसकी मदद से हम ऐसे सर्किट्स बना पाए जिन सर्किट्स की मदद से करंट कंटिन्यूअस ना चले, या हमारे पास करंट के, वोल्टेज के, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की कोई भी वैल्यूज कंटिन्यूअस ना हो, बल्कि सेट वैल्यूज में आए, दो ही नंबर्स में, या तो जीरो या वन, और इन वैल्यूज को नाम दिया गया ट्रुथ वैल्यूज। जीरो का मतलब है जब कोई चीज नहीं है, वन का मतलब है जब कोई चीज है, इन बिटवीन कुछ भी नहीं, जैसा मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में थोड़ा बहुत होना, कम ज्यादा होना, ऐसा कुछ भी नहीं। सीधा लॉजिक, या तो कोई करंट है या वोल्टेज है, कोई भी इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, जब नहीं है तो जीरो, जब है तो वन। वन को कहा गया हाई स्टेट और जीरो को कहा गया लो स्टेट। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है हमारी बात की, जो फोकस करेगी, जो केंद्रित रहेगी लॉजिक गेट्स के ऊपर। गेट का मतलब है दरवाजा, और लॉजिक गेट का मतलब है लॉजिक का दरवाजा, यानी एक ऐसा सर्किट जो लॉजिक को, बुलियन फंक्शन को, बुलियन एल्जेब्रा पर काम करने वाले क्वांटिटीज को निर्धारित करता है, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। सिंपल शब्दों में एक लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दोस्तों, जो बनाया जाता है आजकल के टाइम पे डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स की मदद से। पुराने जमाने में इसे, या जब हम बात कर चुके थे वैक्यूम ट्यूब्स की, उस टाइम पर से वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रायोड्स, पेंटोड्स से भी बनाया जाता था। एक लॉजिक गेट एक ऐसा सर्किट है जो बुलियन लॉजिक, या वो लॉजिक या वो काम जो सिर्फ जीरो और वन को निर्धारित करता है, एक ऐसे फंक्शन को इंप्लीमेंट करता है, उसे काम में लाता है। यानी हर वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बुलियन लॉजिक पर बेस्ड है अपने आप में एक लॉजिक गेट कहलाता है। लॉजिक गेट, जैसा मैं पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, आज उसमें हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बेसिकली तीन बातों के ऊपर काम करता है। ये तीन बातें हैं कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। कंजंक्शन का मतलब है दोनों या सबका होना एक साथ, जिसे कहा जाता है, मान लीजिए, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता चुका हूं कि अगर हम एक लैंप और स्विच की एनालॉजी से इसको कंपेयर करें, तो
अगर हमारे पास दो स्विच हैं, एक स्विच इसलिए कि जब हम उसे पुश करें तो लैंप ऑफ हो जाए, दूसरा स्विच इसलिए कि हम उसे पुश करें तो लैंप ऑन हो जाए, सपोज कीजिए, उस केस में कंजंक्शन का मतलब है जब हम दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, स्विच ए एंड बी। जब हम कंजंक्शन में दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके पर, हमें ऐसा करने से हमें क्या मिलता है रिजल्ट, वो कहा जाता है कंजंक्शन फंक्शन या सिंपली कंजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब है दोनों में से कोई एक, ईदर ए और बी, दोनों में से किसी एक को प्रेस करने पर क्या होगा, जब हम इसे देखते हैं उसे कहा जाता है डिसजंक्शन। और नेगेशन यानी अगर हम दोनों का ही इस्तेमाल ना करें तो उस रूप में क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज के उस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास रिजल्ट, उसे कहा जाता है नेगेशन यानी कोई भी नहीं। दोस्तों अपने इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में तीन बेसिक गेट्स से रिप्रेजेंट किया गया। ये तीन बेसिक गेट्स हैं, कंजंक्शन जिसे हम कहते हैं एंड गेट, ए एन डी एंड गेट, डिसजंक्शन जिसे कहा जाता है और गेट, और नेगेशन जिसे कहा जाता है नॉट गेट। दोस्तों एंड का मतलब है दोनों, अगर हम मान लीजिए दो इनपुट्स की बात कर रहे हैं, किसी दो चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, कोई भी दो चीजों की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मेरे, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ये दो पेन्स की बात कर रहा हूं, ये मेरे हाथ में ये दोनों पेन मैंने ऐसे पकड़े हुए हैं, जब मैं इन दोनों की बात करूं, दिस पेन एंड दिस पेन, तो उसे कहा जाता है एंड लॉजिक। जब मैं दोनों में से किसी एक की बात करूं, दिस पेन और दिस पेन, एक या दूसरा, उसे कहा जाता है और लॉजिक लॉजिक। और जब मैं इन दोनों की ही बात नहीं करता उसे कहा जाता है नॉट लॉजिक। अब दोस्तों ये तो बात थी बेसिक थ्योरी की, अब हम डिटेल में आइए समझते हैं कि ये तीन बेसिक, इन तीनों गेट्स को कहा जाता है बेसिक गेट्स। गेट्स मैं आपको बता चुका हूं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो बुलियन लॉजिक को यानी 0 1 लो और हाई, इन चीजों को कार्यान्वित करते हैं, उन चीजों पर निर्धारित हैं, बेस्ड हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो 0 1 मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड हैं, उन्हें कहा जाता है लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट्स में हमारे पास ये तीन गेट्स जो हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इन तीनों को कहा जाता है बेसिक गेट्स। आगे आने वाले बाकी गेट्स इन तीनों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं हम इन गेट्स की और समझते हैं कि गेट्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं हम और गेट की। दोस्तों और गेट जो है ये दोनों इनपुट्स में से एक या दो, यहां हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की, बाय द वे आपको बात बता दूं, हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर रहे हैं जिनके दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स और एक आउटपुट। इन दो इनपुट्स को हम ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम एक और गेट में इन दोनों इनपुट्स को देते हैं, इनको इनपुट करवाते हैं, तो हमें आउटपुट कैसे मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस चीज के लिए सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है और गेट का सिंबल। तो ये मान लीजिए एक इनपुट, ये दूसरा। दोस्तों ये जो मैंने यहां बनाया ये होता है और गेट का सिंबल। वाई से मैं रिप्रेजेंट करता हूं आउटपुट को। ये ए और बी हमारे पास आ जाते हैं इनपुट्स। ये सिंबल ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये सिंबल है और गेट का। और गेट क्या करता है वो दिखाया जाता है इस इक्वेशन में, जहां पर ए बी हमने दो इनपुट्स दिए क्योंकि बाइनरी है,
हमने जो दो इनपुट्स दिए इनका आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड करेगा इनपुट्स के ऊपर। यानी हमने एक ऐसे गेट में, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अपने दो इनपुट्स दिए जिसका आउटपुट y विल बी इक्वल टू a प्लस b। जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में a प्लस b दोनों इनपुट्स के एडिशन से, ये अल्जेब्रा वाला एडिशन नहीं है दोस्तों जो हमने बचपन में पढ़ा था कि 1+1 2 होता है, यहां तो कोई 2 है ही नहीं, यहां तो दो ही नंबर है हमारे पास, 0 और 1। जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इन दोनों इनपुट्स के गठजोड़ से, एडिशन से आउटपुट हमें मिलता है, उस सर्किट को कहा जाता है OR गेट। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे ऑलरेडी ट्रूथ वैल्यूज की, जिसमें मैंने कहा था कि ट्रूथ वैल्यूज या ट्रू वैल्यूज बाइनरी में, लॉजिक बाइनरी लॉजिक में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही हो सकती हैं, 0 या 1। तो अब ये 0 और 1 एक OR गेट में कैसे होती हैं वो यहां देखिए, मैं एक टेबल बनाता हूं यहां पे दोस्तों। ये डायग्राम ऐसे ही रख रहा हूं मैं आपकी रेफरेंस के लिए, बस ऊपर की स्पेस थोड़ा यूज करूंगा। ये देखिए ए और बी, ये दो इनपुट्स हैं और आउटपुट है y। अब दोस्तों ये जो मैंने टेबल बनाया, ये टेबल ये दिखाने के लिए है कि दोनों इनपुट्स की वैल्यूज क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड है, ये डिजिटल फंक्शन है, इसलिए हमारे पास दो ही वैल्यूज हो सकती है जैसा आप जानते हैं, 0 या 1। तो मान लीजिए जब ए और बी दोनों 0 हैं, देन बी 1 है, ए 0 है, अगेन ए 1 है, बी 0 है, और बी और ए दोनों 1 हैं। यानी जब ए इनपुट और बी इनपुट दोनों ही नहीं है, जब ए और बी इनपुट में से सिर्फ बी है, ये है तभी इसकी वैल्यू 1 है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी चीज का होना मतलब 1, किसी चीज का नहीं होना यानी 0। यानी जब बी इनपुट है ही नहीं तो 0, ए इनपुट नहीं है तो 0, यानी जब दोनों इनपुट्स नहीं है तो 0 0। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब ए इनपुट नहीं है लेकिन बी है, बी में इनपुट है, यानी 0 1। तीसरी कंडीशन, जब ए इनपुट है और बी नहीं है, यानी 1 0। और चौथी कंडीशन, जब ये दोनों इनपुट्स हैं, यानी दोनों 1 1। नाउ सिंस ए प्लस बी का रिप्रेजेंटेशन है यहां पर OR फंक्शन जिसे कहा जाता है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा दोस्तों वो देखिएगा। जब दोनों इनपुट्स नहीं हैं, आउटपुट भी नहीं है। जब इन दोनों में से 0 1 दोनों में से कोई एक है तो आउटपुट है। यानी ए और बी में से कोई भी इनपुट है, एक भी है, ए और बी तो आउटपुट है। सिमिलरली अगेन, क्योंकि अगली कंडीशन है 1 0, इस केस में तो बी था, ए नहीं था, इस केस में ए है बी नहीं है, लेकिन दोनों में से ए तो है, अगेन आउटपुट विल बी 1। और जब दोनों हैं 1 और 1 1+1, तो अनलाइक, ये वो अलजेब्रा नहीं है दोस्तों, जनरल अलजेब्रा जहां 1+1 में हम 2 लिखते हैं, 1+1 यानी ये दोनों इनपुट जब है तो आउटपुट होगा 1। यानी जब हमारे पास दोस्तों किसी एक भी, यहां आप गौर कीजिए, इसे OR गेट इसलिए कहा जाता है, OR का मतलब होता है या, एक या दूसरा। जब इन दोनों में से कोई एक भी हाई है तो आउटपुट हाई है, जब ये दोनों हाई है तब तो है ही आउटपुट हाई, लेकिन जब इन दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई है। ये प्रॉपर्टी होती है दोस्तों OR गेट की। यानी OR गेट में, ये ध्यान से समझने वाली बात है, OR गेट में आउटपुट हमें तभी मिलता है जब दोनों ही इनपुट्स में से कोई एक या ए या बी, यानी ए और बी या फिर ए और बी दोनों ये हाई होते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी हाई हो जाए, करंट आ जाए किसी एक में, तो आउटपुट हमें मिलेगा हाई। एक ही सूरत में OR गेट में इनपुट नहीं मिलता, वो तब जब दोनों ही इनपुट्स नेगेटिव है या 0 है, यानी है ही नहीं, तभी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, वरना हमें आउटपुट मिलेगा दोस्तों। ये जो एक्सप्रेशन है
इसे कहा जाता है लॉजिक एक्सप्रेशन या फिर और एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन का मतलब है, यानी जब आप इसे पढ़ेंगे तो हम इसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं पढ़ते दोस्तों, यहां हम अलजेब्रा की बात नहीं कर रहे, हम इसे पढ़ते हैं y इज इक्वल टू ए और b। इस प्लस को कहा जाता है और, ए और बी। दोस्तों ये जो ट्रुथ वैल्यूज का ये टेबल मैंने बनाया, इसे कहा जाता है ट्रुथ टेबल। और आपके सामने जो बोर्ड पे मैंने ये बनाया, ये ट्रुथ टेबल है और गेट का। और गेट का सिंबल मैंने आपको दिखाया। ये तो था पहला बेसिक गेट। इसके बाद अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे और बाकी बेसिक दो गेट्स की, लॉजिक गेट्स की, जिनके ऊपर बाद में बाकी सारे फंक्शंस निर्धारित होंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है हमारा ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछेगा, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।